बड़ा एक विक्षेप हमारे इतिहास में डाला गया कि हम भारतवासी हजारों साल से गाय का मांस खाते रहे हैं। अब हजारों साल से कोई देश गाय का मांस खाता रहा हो, उस देश में गो हत्या को बंद कराने के लिए कोई अपना बलिदान कैसे दे सकता है? फिर एक मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर भारतीय समाज गाय का मांस खाने वाला समाज है, तो फिर भारतीय समाज में गोरक्षा का आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय बचाने के लिए आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय की रक्षा करने के लिए हमारे नागरिकों ने अपना जीवन दिया है, वो जीवन उन्हें क्यों देना चाहिए? हमारे इतिहास में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है अमर शहीद मंगल पांडे का, जिन्होंने गोरक्षा से आंदोलन की शुरुआत की और देश की आजादी का आंदोलन वो बन गया पूरे भारतवर्ष में, और उसने आग लगा दी पूरे देश को। आप जानते हैं अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी हुई थी, तो सवाल तो गाय की रक्षा का था। जब मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में नौकरी करने के लिए भर्ती हुए बैरकपुर की छावनी में, जो कोलकाता के नजदीक है, उनको किसी ने बता दिया कि आप जो कारतूस मुंह से खोलते हो इसमें गाय की चर्बी लगी होती है, और अगर आप कारतूस मुंह से खोलते हो उसमें गाय की चर्बी लगी होती है तो आप तो गोरक्षा की बात करते हो, फिर ये कैसे होता है? तो मंगल पांडे को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा जिसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। ह्यूसन को मंगल पांडे ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसपे गाय की चर्बी लगी रहती है? मेजर जनरल ह्यूसन ने ना हां कहा ना ना कहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर उत्तर नहीं मिला, तो उनको गुस्सा आ गया और उनके हाथ में जो बंदूक थी, राइफल थी, उसको उन्होंने चला दिया और ह्यूसन को मार डाला। ह्यूसन की हत्या हो गई। और ये काम मंगल पांडे ने बहुत सोच समझ के किया था, पूरे होशो हवास में किया था और विवेक के साथ किया था। और ये घटना घटित हुई, आप जानते हैं, 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। उस पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगल पांडे ने जो सबसे बड़ी बहस की, उन्होंने अपना वकील नहीं किया था, खुद अपनी बहस की, और उस बहस में वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे भारत की जमीन पर अंग्रेज आए, हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया, हमारी गौ माता की हत्या की, हमको गुलाम बनाया, हमारी लूटपाट की, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय हमारी मां है और हमारी मां का कोई अंग्रेज कत्ल करे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजों को तो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे आपने जिंदा रखा तो और 2-4-5 अंग्रेज अधिकारियों को मैं ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने मेजर ह्यूसन को मारा। इस पर पूरे देश में क्रांति की और बगावत की शुरुआत हुई थी। तो आप जरा कल्पना करो कि जिस देश के नागरिक गाय की रक्षा करने के लिए बलिदान होने को तैयार हैं, गाय कटने से बंद हो, गाय बचे, उसके लिए वो अपना आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हैं, उस देश के लोग गाय का मांस कैसे खा सकते हैं? हमारे वेदों में कोई प्रमाण इसका नहीं मिलता। हमारे यहां तो उल्टे प्रमाण मिलते हैं कि गाय को अगर कोई मारता है तो उसको मार दिया जाए, गाय को कोई काटता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं, गाय को कोई काटता है तो उसके पांव काटे जाएं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो जिन वेदों में, उपनिषदों में, अन्य शास्त्रों में गाय को कत्ल करने वाले को फांसी दी जाए, ऐसे उदाहरण मिलते हों, वहां कैसे संभव है कि गाय की हत्या करने वाले लोग हों या गाय का मांस खाने वाले लोग हों? अंग्रेजों ने यह सारा विक्षेप हमारे शास्त्रों में भरवाया। आपको सुनकर